उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान से प्रेरित होकर डाक विभाग द्वारा महिलाओं के सम्मान में एक बड़ा निर्णय लेते हुए नवरात्रि की नवमी पर कन्या भोज के उपहार स्वरूप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नौ कन्याओं को अपने पास से जमा राशि के तहत खाता खोलकर उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान योजना के लिए चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना से प्रेरित होकर डाक विभाग द्वारा नवरात्र कन्या भोज का आयोजन करते हुए नारी सम्मान में नौ कन्याओं का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघर में खाता खुलवाया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए पोस्ट मास्टर अरुण कुमार संघधर ने बताया कि डाक विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नवरात्र नवमी पर नौ कन्याओं के डाक विभाग द्वारा अपने पास से खाते खोले गए हैं। इस खाते को 10 वर्ष से कम आयु की बेटी 250 रुपए में कभी भी खोला जा सकता है। इस खाते में एक वर्ष में 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है तथा बेटी की 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाला जा सकता है और यह राशि शादी के लिए पर्याप्त राशि होती है, जो कि डाक विभाग इस पर अधिक से अधिक ब्याज देता है। अंडर ट्रेनिंग पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली रॉय ने डाक विभाग की कन्याओं के हित में खोले गए खातों के लिए जहां धन्यवाद दिया है, तो वही जनता से भी अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलकर लाभ उठाने की बात कही है। देखिए, आज नवमी के दिन डाकघर हापुड़ डाकघर ने यहाँ पे कन्याओं के लिए, नौ कन्याओं के लिए फ्री में इनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए हैं। और इस ये जो खाते हैं, ये सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है सुकन्या समृद्धि, उसके तहत खुलवाए गए हैं। इसमें 10 साल से कम उम्र की कन्याओं के खाते खुलवाए जाते हैं, जो 250 रुपये से स्टार्टिंग ये खुल सकता है और सालाना 1000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की इसमें आप जमा राशि कर सकते हैं अभिभावक। और ये खुलने के 21 साल तक या फिर 18 साल के बाद बच्ची की शादी पर ये खाते, इन खातों से पैसे निकल सकते हैं। तो ये जो योजना खुलाई जा रही है, इसका मेन एम ये है कि जो लड़कियां हैं वो और जो उनके अभिभावक हैं, जब वो पढ़ाई करना चाहती हैं आगे 18 साल होने के बाद या उनकी शादी हो, उस समय वो किसी की वो बिल्कुल मजबूर फील ना करें, स्वावलंबी हो जाएं। जो हमारा मिशन शक्ति का जो नारा है महिला स्वावलंबन, उसको एक जीवन स्वरूप देने के लिए ये खोले गए हैं खाते। तो इसके लिए पूरा डाक विभाग जो है यहाँ पे जिन्होंने किया है, वो बहुत बहुत बधाई का पात्र है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र चल रहे थे अभी और उसमें नवमी के दिन सभी लोग अपने धर्म और आस्था रखते हुए कन्याएं जुमाते हैं, उनको भोजन कराते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, और उनको छोटा मोटा कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। इधर आप ये भी देख रहे हैं कि आज दिन हम पेपरों में पढ़ रहे हैं मिशन शक्ति, यानी कि नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान के प्रति भी बड़ी एक मुहिम चल रही है, एक अभियान चला हुआ है। तो ऐसे में हमारे डाक विभाग में हम अपने आदरणीय DPS सर और हमारे SSP सर, हमारे SGI सर, इनके निर्देशन में जो काम कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो जन आकर्षक, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अधिकतम ब्याज की, तो उनका एक आम जनता तक पहुंच सके।